चलो स्टूडेंट भी क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा आपके सामने। इसमें बोला है द नेम ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए इसमें दो फिगर क्वेश्चन है, एक होगा रेक्टेंगल दूसरा होगा स्क्वायर। ये आपका रेक्टेंगल है और देखिए स्क्वायर, ये स्क्वायर है। दो डिफरेंट फिगर है। इसका जो बोला है द नेम ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस, दो गुना। अब इसका लेंथ बोल दिया है और ये ब्रेथ। अब क्या बेसिकली वो पढ़ा रहे स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइन ऑफ अ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का जो साइन है उसको हम स्टूडेंट सपोज एक्स लेते हैं। क्यों? क्वेश्चन क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल ट्वाइस, किसका ट्वाइस, साइन ऑफ अ स्क्वायर। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर को एक्स लिया। तो मेरा जो लेंथ होगा, अब लेंथ क्या बोला है, ट्वाइस बोला है, किसका ट्वाइस, साइन ऑफ स्क्वायर का 2x। बोला सकता है ये, और एक बोला है एंड इट विथ। अब विथ का मतलब क्या स्टूडेंट, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड स्क्वायर से क्या होगा, 6 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब क्या स्टूडेंट, प्लस होगा x प्लस 6। सो स्टूडेंट दोनों कहानी बन चुका है। अब मुझे क्या है स्टूडेंट, If the area of the rectangle, स्टूडेंट कंप्लीट विद दिस, ओके कर दिया आपका, तो फर्स्ट होगा लेंथ, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी स्टूडेंट क्या होगा इसका 2x सेंटीमीटर। स्टूडेंट ब्रेथ भी हो गया, अब ब्रेथ क्या था स्टूडेंट, ब्रेथ था x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब साइड ऑफ स्क्वायर क्या चुका है, साइन ऑफ अ स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर क्या था स्टूडेंट, x सेंटीमीटर। चलो यहां तक प्रॉब्लम हुआ आपको, पर यहां पर एक खास जो है स्टूडेंट, अब ध्यान रखना इसमें क्या बोला है खास, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया, फिर हम लिख देते यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया रेक्टेंगल क्या बोले स्टूडेंट, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 times मतलब इनटू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, मुझे क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच, हर चीज से क्या स्टूडेंट साइन निकालना है, मेजरमेंट निकालना है, स्टूडेंट एक एक कर इसका स्टूडेंट आपका स्क्वायर का निकालना है, ईच बोला तो क्या है, इसका भी डायमेंशन क्या है, मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ, स्क्वायर क्या होता है, साइड होता है स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट सुविधा देते हैं, हम स्टूडेंट समझ के डायमेंशन निकाल रहा है किसका, दोनों का, ईच बोला ना, ईच बोले क्या है रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों का। चलिए स्टूडेंट अब होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको फॉर्मूला याद है, रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या स्टूडेंट,
लेन इनटू ब्रेड, लेन इनटू ब्रेड इक्वल टू 3 इनटू इन स्क्वायर, क्या स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे कौन स्क्वायर किसी है, तो अब यहां देखना स्क्वायर आपका जो लेन है, लेन क्या है 2x, जो ब्रेड है x + c, x + 6 होगा। हाँ स्टूडेंट, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, इजी है। अब इसमें आएगा 3 इंटू साइन, जिस वाला साइन क्या है x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें बनते हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 6 टू 12 x इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब वहां चला जाएगा क्योंकि बड़ा कौन है, यहां पर बड़ा ये है g स्क्वायर, इससे बड़ा है, और ये तो उधर मूव करेगा, इधर जीरो हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर ये प्लस है माइनस 2x स्क्वायर, प्लस है माइनस 12x, स्टूडेंट तो आप यहां देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 12x, स्टूडेंट अब देखिए दोनों कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x निकलेगा x माइनस 12, स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट छुटा देते, स्टूडेंट लोग छुटा देते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका दो, देखिए दो कहानी है, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, इसका मतलब क्या है, x का आंसर भी जीरो होगा और इसका आंसर भी जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, जीरो कोई वैल्यू नहीं है, उसमें जीरो कोई मेजरमेंट नहीं आता है, आपको क्या जीरो मेजरमेंट आया ही नहीं, क्या होगा इसका माइनस 12 क्या है प्लस 12, चलिए जीरो है 12 है, अब इसे इसमें मिस्टर है 12 के यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आता है, रेक्टेंगल है, स्टूडेंट लिख लीजिए फॉर रेक्टेंगल, इसमें अब रेक्टेंगल क्या इसमें लेंथ आता है, तो आपका लेंथ कितना है 2x, मतलब 2 into 12 सेंटीमीटर, इसमें कितना है इसका 24 सेंटीमीटर, चलो लेंथ आ गया। उसके बाद ब्रेथ, अब उसका ब्रेथ क्या है, x plus 6 है, x plus 6 मतलब इसमें 12 plus 6 कितना इसमें 80 सेंटीमीटर, चलो ये भी आ गया। उसका बाद है स्क्वायर का, 4 स्क्वायर, चलो स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं, इसमें क्या इसमें साइड था, साइड था इसमें साइड क्या स्क्वायर क्या होगा 12 सेंटीमीटर, बस इतना ही स्क्वायर, ठीक है। अब आराम से करना पड़ेगा इसको, इजी है। इसमें तो अपने क्वेश्चन का डिवाइड देंगे, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, देखिए ए बी सी डी स्क्वायर, मैंने डायग्राम बनाया स्क्वायर का, स्क्वायर विद ईच साइड, अब पता है आपको स्क्वायर, स्क्वायर सब साइड क्या है, सब साइड इक्वल है। अब क्वेश्चन बोला है पी, मैंने पॉइंट दिया, पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट का नाम बी है, बी इज अ पॉइंट ऑन किसके बीच में, बी बी सी के बीच में, such that area of triangle ABB, अच्छा ABP, इसमें कलर कर, इसको कलर कर देता हूं मैं, ABB रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
ट्रायंगल और जो वाइट पोर्शन है वो क्या है ट्रेपेज़ियम है। तो स्टूडेंट एक दिमाग रखना, मुझे क्या रेशियो तो दिया है, कोई बात नहीं है, फाइंड द लेंथ ऑफ सीपी, मेरे सीपी। तो स्टूडेंट हम सीपी को क्या रखते, सीपी को एक्स लेते हैं, चलो स्टूडेंट लेते हैं सी को एक्स, लेंथ सीपी बी एक्स सेंटीमीटर। अब मजा आएगा, देखिए मुझे टोटल पता है, टोटल कितना है, पूरा टोटल है 12, अभी पूरा टोटल 12 है, उसमें से सी मिल्च सी को मैंने क्या एक्स लिया, तो ये तो नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं, जितने कुछ पार्ट चाहिए पी भी चाहिए था, इसे मतलब क्या टोटल था 12, उसमें से ये पार्ट मुझे मेरे को नहीं चाहिए था, सी भी नहीं चाहिए था, इसे मतलब क्या स्टूडेंट 12 माइनस एक्स, स्टूडेंट क्या होगा 12 माइनस एक्स, स्टूडेंट सो लिख लीजिए स्टूडेंट, हम क्या लिखे स्टूडेंट बी पी, जिसमें बीपी बता रहा हूं, बीपी क्या हुआ टोटल में से ये पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मिल चुका है जो मिल चुका, सुनिए दस में माइनस, इसको मतलब क्या 12 माइनस एक्स सेवन, ठीक स्टूडेंट, सीबी क्या स्टूडेंट टोटल का नाम क्या है बी सी बी माइनस सी बी 12 माइनस एक्स, बहुत ही सही स्टूडेंट। अब आपका जो फॉर्मूला रेशियो में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने सेलिंग किया है, लिख लेते स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम, सो लिख लेते ट्रेपेज़ियम एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम दिया है, अब ट्रेपेज़ियम का जो वैल्यू दिया स्टूडेंट, देखिए ट्रेपेज़ियम का जो रेशियो दिया दोनों का, ट्रायंगल और ट्रेपेज़ियम का रेशियो क्या है 1:5 मतलब 1/5। अब ट्रायंगल को पता है आपको, ये जो स्क्वायर का हर कोना 90 होता है, 90 90 90, अभी जो ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल क्या है राइट एंगल है, जिसका बेस है 12 और हाइट है 12 माइनस एक्स, ठीक स्टूडेंट, तो मैंने क्या किया हाफ बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय ट्रेपेज़ियम, ट्रेपेज़ियम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट ए से लिया स्टूडेंट, क्योंकि मैंने एक में ए सी आई सी से लिया, एक में छोटा ही से लिया, ठीक है ताकि आप प्रॉमिस तो 1/5, सो स्टूडेंट यार कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब स्टूडेंट्स को बता देता हूं, मुझे निकालना था फाइंड द सीपी मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना स्टूडेंट एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं आप, अब बेचारे ट्राइंगल इसका बेस कितना है 12 है, तो स्टूडेंट 12 देते हैं और जो आपका हाइट है 12 माइनस एक्स, स्टूडेंट यहां तक कौन स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए सवाल हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, अब पैरेलल साइड में स्टूडेंट 12 पॉइंट्स, देखिए ये पैरेलल साइड था, ये फर्स्ट पैरेलल साइड था और ये भी पैरेलल साइड था सी सी बी पैरेलल पैरेलल साइड, स्टूडेंट मैं खोलता हूं तो आपको आसान हो जाएगा, ट्रेपेज़ियम था डी ए पी सी, ये एक्स था ये 12 था और 90 स्टूडेंट कितना था 12 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट है
ठीक है स्टूडेंट, हाई के ये फर्स्ट पैरेलल साइन, ये सेकंड पैरेलल साइन, ठीक है दो पैरेलल साइन, ठीक है। तो 12 प्लस एक्स इनटू हाइट, हाइट कितना डिवीजन का 12 का इक्वल टू 1/5। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, बात याद है स्टूडेंट, ये हाफ हाफ कट जाएगा स्टूडेंट, दो हाफ कट गया, अब जो निकलेगा अब 12 plus x equal to 1/5 स्टूडेंट, तो क्या बताइए स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट यहां पर क्या हुआ, 12 कैंसिल, तो जो बनाएगा स्टूडेंट इसको 12 कैंसिल, स्टूडेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, अब क्या है स्टूडेंट क्रॉस करते हैं 12 minus x इंटू 5 और इसमें आएगा 12 plus x स्टूडेंट, तो यहां पर कॉम्बिनेशन आपको 12 5 is 60 5x 12 plus x स्टूडेंट, तो यहां पर आसान है, तो मैंने क्या किया -5x अगर प्लस x से -x हो जाएगा 12, अगर प्लस 60 है यहां बुक करने से -60, तो माइनस माइनस प्लस -6x -14, चलिए x x कैंसिल, ओह सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, तो आप x आ सकते हैं 48 divided by 6 6 8 जा, तो आपका x का आंसर होगा 8 स्टूडेंट, 8 आ गया। अब ये जो x आया मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट, CB, यही चीज स्टूडेंट, यही था मेरा क्वेश्चन में CB निकालना था, x तो निकल गया, therefore CB equal to 8 centimeter स्टूडेंट, आसान है, बस डरना ना आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट, फॉर्मूला याद कोई चीज नहीं, कट गया कितना अच्छा है, तुम्हारा जो भी कट गया स्टूडेंट, स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लैंड मेजर 45 मीटर, इसका जो अंदर का लेन इंटरनल लेन, हम लिखते हैं स्टूडेंट लेन ऑफ प्लॉट, आप प्लॉट का लेन कितना है स्टूडेंट 45 मीटर, इसका ब्रेक ब्रेक देखिए स्टूडेंट 45 मीटर क्या इसका लेंथ है, ब्रेक कितना है 30 मीटर, ब्रेक ऑफ प्लॉट, आप प्लॉट का जो ब्रेक है 30 मीटर स्टूडेंट, याद रखिए ये 45 था, यहां से एक्स्ट्रा बाहर वॉल क्या वॉल बाहर बन रहा है, चारों तरफ वॉल बन रहा है, इसमें आपको रूम दिख रहा है चारों तरफ वॉल है, ये सपोज ये प्लॉट है, जमीन क्या है जो हम लोग खड़ा है एक प्लॉट है, इसका चारों तरफ मैंने क्या वॉल बनाया स्टूडेंट, वॉल से बनेगा वॉल में क्या होता है चारों तरफ से घिरा होता है, मतलब होम वॉल चारों तरफ से घिरा है, 1 2 3 4 फोर वॉल, तो स्टूडेंट ध्यान बढ़ेगा जब वॉल बनेगा एरिया ऑफ अ फोर वॉल अब फोर का वॉल आप देखिए इसमें 2 length plus breadth इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है फोर वॉल का, क्योंकि विचार मैंने क्या था एक प्लॉट था, सो चारों तरफ क्या हुए क्या बन गया स्टूडेंट दीवार बन जा रहा है, पूरा दीवार क्या है कॉमन है चार साइड से
स्टूडेंट देखिए ये जो पॉइंट दे रहा आपको चार साइड एक दो तीन चार चारों से कवर है समझ गए एरिया ऑफ अ होल वॉल। तो स्टूडेंट इसके लिए मुझे क्या चाहिए वॉल तो बाहर बन रहा है वॉल का बाहर बन रहा है वन मीटर उसका मेजरमेंट जरूर है स्टूडेंट। अब मैंने क्या किया लेंथ ऑफ आउटर पार्ट अब बाहर का पार्ट आउटर पार्ट का बाहर का सीखे स्टूडेंट 45 प्लस सुन देखिए ये 45 था यहां से आगे से एक्स्ट्रा देखिए दोनों तरफ आगे पीछे दोनों तरफ 1 मीटर के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो रहा है 45 का बीच में आगे से 2 1 पीछे से भी 1 स्टूडेंट 45 प्लस 1 प्लस 1 स्टूडेंट क्या होगा इसका 47 मीटर। आगे स्टूडेंट लेंथ ऑफ आउटर पार्ट ब्रेथ ऑफ आउटर पार्ट बाहर का वॉल का बाहर का स्टूडेंट पूरा निकल जाएगा। अब जो ब्रेथ है देखिए हड्डी है इसका कहानी क्यों गलत है ऊपर में दिख रहा 1 मीटर नीचे भी 1 मीटर तो क्या स्टूडेंट 30 प्लस 1 प्लस 1 स्टूडेंट 32 मीटर बहुत अच्छा स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत 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 पूरा अभी सोचना पड़ेगा वॉल चारों तरफ फिर रहा है चारों तरफ मिलने से स्टूडेंट ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ होल वॉल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ और इसका हाइट भी दिया है। अब हाइट कितना स्टूडेंट हाइट अब हाइट भी दिया गया है पूरा लिख लेते हाइट हाइट था 2.4 मीटर। अब तो बहुत अच्छा स्टूडेंट देखिए आउटर लेंथ निकल गया ब्रेथ निकल गया हाइट तो मिली गया स्टूडेंट तो कोई चिंता नहीं स्टूडेंट ठीक है। अब हम आराम से कर सकते स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते सब सुनाए थे जैसे पाइंट एरिया और इनर सरफेस एरिया और दी बॉडी बॉडी का बाहर का सरफेस एरिया अगर बाहर से बोले से स्टूडेंट देखिए देखिए स्टूडेंट बाहर का और अंदर का दोनों बहुत ज्यादा है स्टूडेंट ठीक है। उसने जो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री बाउंड्री का अंदर का सरफेस एरिया क्या होता है वो पता नहीं होता है कुछ ही स्टूडेंट और बोल से हो जाएगा फिर स्टूडेंट हम क्या स्टूडेंट एरिया ऑफ होल वॉल होल वॉल। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट स्टूडेंट यहां पे फॉर्मूला शुरू करो क्योंकि मुझे मेरा क्या स्टूडेंट मुझे बाहर देखिए अंदर का जो करना है इसका आप सोचिए सर अंदर मतलब 45 45 का कोई बढ़ाया नहीं गया 45 का बाहर बढ़ाया गया किसी का स्टूडेंट पूरा अंदर का पता चल जाए क्या डिसएडवांटेज है वॉल का ठीक है। वॉल का स्टूडेंट क्या होता है 45 अंदर होता है बाहर से 1 मीटर बाहर से 1 मीटर देखिए आगे से 1 मीटर पीछे से मतलब पूरा बने स्टूडेंट ध्यान रखना ठीक है। तो मैंने क्या किया थ्रू ब्रैकेट अब मेरा लेंथ लेंथ क्या है 47 मीटर और ब्रेथ था 32 मीटर और मेरा हाइट जो हाइट दिया है हाइट कितना स्टूडेंट हाइट 2.4 मीटर इजी स्टूडेंट। अब हम क्या स्टूडेंट 2.4 को अगर पूछे करके 4.8 इंटू स्टूडेंट प्लस कर दें 7 प्लस 2 9 4 प्लस 3 7
79 मीटर स्क्वायर। अब क्या स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दे जो आएगा वही आंसर होगा स्टूडेंट, इसका अंदर का सरफेस एरिया। अब क्या स्टूडेंट 79 इंटू 48 9 72 7 8 56 56 प्लस 7 स्टूडेंट कितना 63 होगा 6 9 4 36 6 3 carry 7 4 28 plus 3 31 9 7 3 और स्टूडेंट का पॉइंट था एक का बाद पॉइंट था, चलो पॉइंट क्या दिया है एक का बाद पॉइंट, तो मेरा आंसर होगा 379.2 मीटर स्क्वायर। इतनी स्क्वायर बस कॉन्सेप्ट समझना है, जब वॉल का चार दर होगा चार, क्योंकि आपको पता है प्लॉट का चार साइड होता है तब चारों तरफ से वॉल होगा मतलब फोर वॉल। इसमें इतनी क्या रखना